दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक फोन जो कि मेरे हाथ पे आप देख सकते हो, डीजो स्टार 300। सो दोस्तों, ये जो फोन है ये अनबॉक्सिंग करूंगा और रिव्यू भी करूंगा कि आज के डेट में ये जो फोन है ये लेना सही रहेगा कि नहीं, वो भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल से मिलता रहता है। तो ये जो फोन है आप देख सकते हो, ये कीपैड वाला फोन है, लेकिन इसका लुक जो है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, और ये नया भी है, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा कि ये जो फोन है आप किस पर्पस में इसे ले सकते हो, क्योंकि आज के जमाना में हर कोई स्मार्टफोन यूज करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो कीपैड वाला फोन है ये हर कोई यूज नहीं करना चाहता, तो उसके बारे में बात करूंगा डिटेल से। सो हे गाइस, अब देख रहे थे स्मार्ट टेक किस यूट्यूब चैनल में हूं पीयूष। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसे हम रखते हैं साइड में। और उसके साथ ये एक चार्जर है जो कि नॉर्मल बी टाइप चार्जर आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका केबल क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक है, ठीक है, इसे भी रखते हैं साइड में। और ये जो है ये हमारा मेन फ़ोन है, तो बाद में बात करेंगे इसके लुकिंग के बारे में। तो यह पे एक बैटरी है जो कि है 2550 mAh का, ठीक है, डीजो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस प्लस, ठीक है। तो बैटरी अलग से आते हैं इसके अंदर, यानी कि आप ये रिमूवेबल बैटरी है, अब जब भी चाहो इसे निकल सकते हो, ठीक है। तो इसे भी रखते हैं साइड में। उसके बाद मैनुअल, बेसिकली फ़ोन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ये लंबा सा एक मैनुअल है। और डीजो का, तो डीजो का जो ये जो फ़ोन है ये रियलमी का ब्रांड है, ठीक है, मतलब कि रियलमी का ब्रांड है, आप वही साइड पे जाकर देख सकते हो। बाकी इसका प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। और ये मैनुअल कोई पड़ता नहीं है, इसे भी रखते हैं साइड में, ठीक है। उसके बाद इसके साथ कोई हेडफोन नहीं आता, ठीक है। एक इस पाउच में आया हमारा फ़ोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फाइनल फ़ोन, ठीक है। तो ये कीपैड वाला फ़ोन है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें आप सिर्फ बात करना चाहते हो और या फिर किसी को देना चाहते हो एज अ गिफ्ट, वो स्मार्टफोन उसको चलाना नहीं आता, तो आप इस तरह से फ़ोन, इस टाइप के फ़ोन दे सकते हो। तो इसका पीछे का जो लुक है ये है इसका मेन हाईलाइट, ठीक है। तो देख सकते हो पीछे से ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि ये जो फ़ोन है ये कीपैड वाला फ़ोन है, ऐसे लगेगा कि स्मार्टफोन है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका डिज़ाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे है कैमरा, उसके बाद नीचे है फ्लैश, और यहाँ पे डीजो का लोगो, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर वगैरह, तो इसके अंदर बैटरी डालेंगे, सिम डालेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो एक 3.5 mm जैक है, उसके बाद माइक्रोफोन, देन चार्जिंग के लिए, ठीक है। और फ्लैश वगैरह सब कुछ है, इनबिल्ट टॉर्च भी है इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज 25 से मैसेज यहाँ पे सेव कर सकते हो इसके अंदर, और अप टू 64 GB एक्सटेंडेबल मेमोरी कार्ड ही इसके अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसका लुक तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने इसे ये फ़ोन जो है ये ख़रीदा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसे पावर ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे दो सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड। अब यहाँ पे मेमोरी कार्ड को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम बैटरी इसके अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे सिम है हमारा, इसे भी डाल देंगे, मेमोरी कार्ड को बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा बैटरी, इसका एम्स भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, 2550 का। इस तरह से आप बैटरी को इसके अंदर डालेंगे, उसके पहले आपको सिम कार्ड इसके अंदर डालना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिम ऑन, सिम टू, अगर आपका सिंगल सिम है, यहाँ पे डुअल सिम का भी ऑप्शन आपको, ओके। सो दोस्तों, यहाँ पे सिम लगाने के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, यानी कि सिम की जो ये जो गार्ड है यानी कि कटा हुआ है, इसे आपको इस तरह से डालना होगा, ठीक है, तभी ये सही तरीके से बिट पाएंगे। उसके बाद मैं ये जो बैटरी है इसे डाल दूँगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पीछे का जो कवर है उसे भी हम लगा देते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। बाकी फ़ोन की जो लुक है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है। तो चलो इसे पावर ऑन कर लेते हैं। ओके, सो ऑन करते ही आप देख सकते हो डीजो ये आ गया है। बाकी इसका नाम डीजो है लेकिन ये रियलमी का फ़ोन, और फ़ोन
ये थिंक नहीं है, काफ़ी मोटा है, ठीक है आप देख सकते हो। उसके बाद इंग्लिश पे हम चूज़ कर लेते हैं। तो चूज़ कर लेते ही यहाँ पे फ़ोन का जो सेटअप है आ गया है, ठीक है। इसे यहाँ पे नेटवर्क भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज नहीं है फिलहाल, तो आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। तो चलो मेनू पे जाते हैं, क्या क्या मिलता है हमको सेटिंग के अंदर। कॉल सेटिंग, फ़ोन सेटिंग्स, डेट टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे है दी गई है। शोच SOS, ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए, ताकि आप अगर आप कभी भी दिक्कत में पड़ जाओ तो इस ऑप्शन के इस्तेमाल करके आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। तो फ़ोन ऐसा है कुछ। ओके सो दोस्तों, ये जो फ़ोन है फाइनली मेरे हाथ पे आप देख सकते हो। बाकी ये फ़ोन अभी चार्ज में डालना है, ठीक है। तो जब भी कोई फ़ोन आपको खरीदना है उसके बाद फुल चार्ज करके ही उसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे मैं चार्ज में डालूंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ इसका जो फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स जो है नॉर्मल फीचर्स है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो लुकिंग है बहुत ही बढ़िया। बाकी कॉल मैंने करके देख चुका हूँ कि इसका जो कॉल की जो क्लियरिटी है, मतलब कि वॉइस का, वो मतलब के एवरेज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और एकदम बुरा भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज़ भी आता है, और मतलब के अगर आप भीड़ पे बात कर रहे हो, तो किसी गैदरिंग जगह पे अगर आप बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि पीछे वाला जो बंदा जिससे आप बात कर रहे हो वो क्लियरली ना सुन पाए, ठीक है। तो इसका ध्यान देखते हुए मतलब के प्राइस का ध्यान रखते हुए ये जो सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है आप ऑनलाइन पे भी आपको देख सकते हो, इसका जो प्राइस है 1,300 रुपीज़, ठीक है। ऑनलाइन में जितना प्राइस मैंने देखा उतना ही मुझे ऑफलाइन में भी मिला है, तो मैंने इसे ऑफलाइन परचेज किया है। बाकी अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मिली डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से ख़रीद लेना, ठीक है। और इसका लुकिंग तो आप देख सकते हो। बाकी इसके अंदर डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड आपको मिल जाता है, कैमरा वगैरह सब कुछ है, ठीक है। बाकी और कुछ बताने के लिए है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक फ़ोन जो कि कीपैड वाला हो, मतलब के 1500 के अंदर, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हो। इसका लुकिंग बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और ये जो है पीछे से स्मार्टफोन की तरह भी लगता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में और तो कुछ बताना है ही नहीं, ठीक है। अगर आप आपके पास भी है ये ऐसा कुछ फ़ोन, तो मुझे लिखना कमेंट में कौन सा वाला फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं इस चैनल से लेके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।